पापा के दोस्त ऐसे उम्रा करके आए माशाल्लाह, सऊदी से लेकर आए सबसे खूबसूरत तोहफा। मोहरम स्पेशल रेडी हो गई। खुबूली कैपेचिनो। खुशामाती खुशामादीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हैदराबाद इरम अफनान के ब्लॉग से आप सबका खुशामादीद। और ऐसा आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ मोहरम स्पेशल, जो मोहरम में हर कोई बनाते हैं खुबुली, लेकिन मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी तरकारी की बिरयानी। मजे की बनती, मैं हमेशा बनाती हूँ, सब जने बहुत शौक से खाते, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो फिर किचन में। यहाँ पे पूरा रेडी कर दी मैं बनाने के लिए खुबली मेरे स्टाइल में तरकारी की बिरयानी। उसके लिए ऐसो पहले ऐसो मैं चने की दाल ली यहाँ पे, भिगने दाल के रखी, और ऐसो दही, हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना, और ऐसो यहाँ पे हरी मिर्चियाँ ऐसो सा चीर के, और प्याज, और यहाँ पे ऐसो पूरी तरकारी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फूल गोभी, और ऐसो मटर जो चने आते वो, और बिनीस की फली, गाजर, और शिमला मिर्ची, और आलू। आप लोग इसमें जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। फिलहाल खुद मेरे को ये पसंद और हमेशा ये डालती मैं तो ये। और ऐसो चावल भिगने दाल के रखी यहाँ पे मैं। अब पहले क्या करना है बोले तो दाल उबालेंगे। यहाँ पे ऐसो मैं दाल उबलने के लिए रख दी। अब ऐसो यहाँ पे कढ़ाई ले ली मैं, उसमें डाल दी तेल, ये पूरा ऐसो तलेंगे। अगर आप लोग तेल में तलना नहीं चाह रहे तो इसको उबाल ले भी सकते, उबाल के भी डालना, लेकिन तलने से थोड़ा सोंधा बहुत मजा आता बिरयानी में, इसलिए ये पूरे चीजें ऐसे तल लेंगे। पहले ऐसे आलू तल के पूरे चीजें तल लेंगे। और ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पे दाल भी गल गई अच्छी, इतनी रखना अपने को, दाल नहीं बनाना है तो ऐसे थोड़ा ऐसा कनीर है ना उसमें ऐसा स्टीम में पूरा हो जाता। यहाँ पे ऐसो वेजिटेबल्स पूरे तैयार हो गए तल के। अब ऐसो क्या बोल तो प्याज तल लेंगे। बरिस्ता डाले बगैर बिरयानी हो, पुलाव हो, या ऐसो तरकारी बिरयानी हो, अच्छी नहीं दिखती। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा रेडी हो गया तल के, बरिस्ता भी रेडी है। अब क्या करेंगे, मसाला बनाएंगे। तो फिर इसमें प्याज डाल दी, अब डाल देंगे इसमें पट्टा चकला, दो डाल रही हूँ मैं। तो थोड़ी नरम हो गई प्याज, अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन, जितना ज्यादा डाले उतना सोंधा बनता। अब ऐसे उसको अच्छा सुनहरा करेंगे, खुशबू आना, कच्चा पना चले जाना पूरा अदरक लहसुन का। अच्छी सुनहरी हो गई फ्रेंड प्याज, और ऐसे अदरक लहसुन भी अच्छा तले गया, खुशबू आ रही। अब डाल देंगे इसमें नमक, थोड़ी हल्दी, मिर्ची की बुकी, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं भी डाले तो चलता, लेकिन हम लोग तेज खाते इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप लोग लाल मिर्ची नहीं डाल के हरी मिर्ची भी डालते ना, हरी मिर्ची का भी बना सकते अगर फिक्का खा रहे तो। अगर हम लोग जैसा तेज खाते तो थोड़ा मिर्ची ऐसा डालना। मिर्ची की बहुत चले गई, अब डाल देंगे इसमें पूरे तरकारियाँ जो है सो तल के रखी मैं। बिस्मिल्लाह। इसमें डाल देंगे चने की दाल जो उबाल के रखी थी मैं। इसको ऐसा अब अच्छा मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे भगोने में डाल दी पूरा, अब इसमें डाल देंगे एक बड़ा कटोरा फुल दही है ये डाल देंगे। अब डाल देंगे फ्रेंड्स हरी मिर्चियां ऐसा चीर के रखी थी मैं, और ऐसा आधा हरा मसाला, कोतमीर, पुदीना। ऐसो फिर से अच्छे से मिक्स करना, ये टूटना नहीं, हल्के हाथ से करेंगे। जो तल के रखे थे बरिस्ता आधा डाल देंगे, और थोड़ा हरा मसाला। अब इसको रख देंगे आधा घंटा, तो भी अगर जल्दी है आप लोगों को तो 20 मिनट तो भी रख देना मैरिनेट के लिए, बहुत अच्छा बनता रखे तो। ऐसा तो साइड में रख देंगे इसको। यहाँ पे चावल बनने के बाद से रख दी मैं, अब इसमें है सो चावल के हिसाब से नमक डाल देंगे, धो के है सो तेज पत्ता। तो फ्रेंड्स आधा घंटा रखी मैं, अब है सो खाना भी बन गया, अब डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स पूरा है सो लेयर कर दी मैं, चावल डाल दी। अब है सो इसमें तीन ऐसे लंबे लंबे मिर्चियां ले ली मैं, ये तो कितने लंबे हैं, इसको ऐसा इसमें डाल लेंगे, थोड़ा तेज बना आता।
अब भैंसों कलर डाल देंगे, फूड कलर है ये। अब ऐसा दम देंगे इसको, धीमे गैस पे रखेंगे ना तो नीचे ऐसा दाग पकड़ लेता। ऐसा अच्छा फरेरा हो गया, अब इसको निकालेंगे, दम हो गया। जबरदस्त खुशबू आ रही, अब खाएंगे इसको। बिस्मिल्लाह करेंगे खुबूली और मेरे स्टाइल में तरकारी की बिरयानी। मस्त बनी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, डिनर भी कर लिए और बहुत मजे का बना था। आप लोग भी एक बार ट्राई करो, और ऐसे बच्चों के वास्ते बना रहे तो आप लोग हरी मिर्ची की बना सकते हैं, अगर तेज खाते स्पाइसी तो लाल मिर्ची भी डालना। बहुत मजे का बना था, और ऐसे 8 बजे ऐसे हम लोग डिनर कर लिए और मैं बनाई कॉफी। कई को बोले तो बाहर बारिश हो रही झुमझुम, उसके साथ ऐसा मौसम के मजे। अब ऐसा शायरिया बोलेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ऐसा मेरे अड्डे पे आ गई, मैं को यही ठहरे तो टीवी के पास ही शायरिया अच्छे निकलते। तो अर्ज किया है, वहाँ जाना छोड़ दो, वहाँ जाना छोड़ दो, जहाँ तुम्हारे एहसास की और अल्फाज की खदर ना हो, चाहे वो किसी का दिल हो या घर। तो वीडियो एंड कर देंगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली व्लॉग्स आ रहे तो सब्सक्राइब करें प्लीज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय। गई खुबली।